लगता है आशा को होश आ रहा है। नर्स तुम जाओ फटाफट इंजेक्शन लेके आओ। माँ जी इन्हीं ने आपकी बेटी की जान बचाई है। थैंक यू बेटा, थैंक्स। माँ जी प्लीज आप थोड़ी देर बाहर बैठिए। How is she now? इन्हें अभी अभी होश आया है। Thank you, sir. श्रीमंत के बारे में तुम क्या जानती हो? जो लोग तुम्हें ले गए थे वो श्रीमंत के आदमी थे या फिर कोई और? बोलो बोलो, रुक क्यों गई तुम? ऑफिसर, मैं जानती हूं कि आपका काम बहुत जरूरी है, पर दिस इज नॉट द वे। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी पेशेंट बोल भी नहीं पा रही, और आप इनसे सवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर आप जानती नहीं हैं। मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरी पेशेंट इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं इनसे पूछताछ करने की आपको परमिशन नहीं दे सकती। प्लीज अब बाद में आइए। ओके डॉक्टर, मैं बाद में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? नर्स, बाहर इनकी मम्मी बैठी होंगी, उनको अंदर भेज दो। और हाँ, उनसे कहना पेशेंट से ज्यादा बात ना करें। जी डॉक्टर। मैंने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है और इस बात को मान लिया है कि अब तुम्हें कभी अपना नहीं कह सकता, पायल को भी अपना नहीं कह सकता। वो तो मेरी बेटी है। एक तरफ ये सोचकर तो बड़ी खुशी होती है कि राजन बाबू मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे कलेजे में आग लग जाती है ये सोचकर कि ये हक तो मेरा है। तुझे पायल पहले मेरी बेटी है, मेरी। देखो मुझे कोई भी फोन मत दो प्लीज। सब बाद में, मुझे इस वक्त जाना है। सर आधे घंटे बाद आपके मिस्टर कपाड़िया से मीटिंग है सर, ये उसी की फाइल है। ठीक है फाइल रख दो, मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो। सर कल नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले ही बताया था मिस्टर कपाड़िया आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है काम करो, मीटिंग कैंसिल कर दो। सर ये आप क्या कह रहे हैं, लाखों का नुकसान हो जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आप इस मीटिंग के बाद जाते तो। मुझे इस वक्त जहाँ जाना है ना, वहाँ जाना इस मीटिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप? जी सर। आप खड़ी क्यों, आप जाइए प्लीज। हेलो, मे आई स्पीक टू पायल प्लीज? आई एम अ फादर। 1 मिनट सर। पायल तुम्हारे पापा का फोन है। हाँ पापा। मेरा बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, एज यूजुअल
बस लास्ट स्टेटमेंट बना रही हूँ, फिर मैं निकलूंगी। पापा आज आप भी घर जल्दी आ जाओ ना। घर? बेटा मैं तुझे पिकअप करने आ रहा हूँ, हम लोग साथ घर चलेंगे। ओके पापा। पापा आज मुझे शॉपिंग भी करनी है। हाँ जरूर, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है पापा। ओके। सर कुछ पेपर से करा दो सर। एक काम करो, इन्हें मिस्टर चोपड़ा के टेबल पर रख दो, मैं इस वक्त जल्दी में। ठीक है। So you are better now. जी। श्रीमंत के बारे में क्या जानती हो? सर श्रीमंत के बारे में? Yes. सर मैं सच कह रही हूँ, मैं श्रीमंत के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि श्रीमंत के नाम की एक फाइल मेरे पास आई थी, जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, वो भी मुझसे बार बार यही सवाल पूछ रहे थे। मैं परेशान हो गई हूँ इन सवालों से। अगर परेशानी से बचना चाहती हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। सर क्या जवाब दूं? जब मैं कुछ जानती नहीं तो आपको बताऊं क्या? अगर तुम कुछ नहीं जानती तो तुम्हारा किडनैप क्यों हुआ? मुझे नहीं पता सर, उन लोगों को भी कुछ गलत फहमी हुई थी। अच्छा, यानी सब लोग गलत हैं और तुम सही हो। सर प्लीज बिलीव मी। उन लोगों के बारे में बताओ जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया तो 3-4 लोग थे, पर वहां बंद कमरे में बस एक लड़की थी जो मुझे टॉर्चर कर रही थी। उसका नाम? नहीं जानती, पर वो लड़की लंबी थी, सांवली थी। बस तुम्हें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के सहारे हम उसे ढूंढ सकते हैं? नहीं, पर सर जब मैं कुछ जानती नहीं तो मैं आपको बताऊं क्या? वहां से जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस अस्पताल में पाया। चलता हूं, लेकिन कभी तुम्हें कोई बात याद आ जाए या तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ बताना जरूरी है तो मुझे फोन करना। पीर साहब, विरजे अभी तक आए नहीं। हाँ सब्र कीजिए बेगम, आते ही होंगे। आ गए। नोहेल मियाँ आ गए सब? क्या बात है मियाँ, फ्लाइट और लेट हो गई क्या? जी हाँ पीर साहब, उनकी फ्लाइट 1 घंटे लेट हो गई। लाहौल विलाहौत, ये फ्लाइटें ना मुराद लेट क्यों हो जाती है? पीर साहब। क्या है मियाँ? जरा पलट के देखिए।
लाले 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 मैं कहाँ खो गया था तू? कहाँ खो गया था? सब कुछ खो गया था तू। सब कुछ खो गया था। पुष्पा जी ने बताया कि तुम मेरा भी जिंदा है। तुम सबसे मिले बिना मैं कैसे मर जाता? ओए पीर, कैसे मर जाता यार? मास्टर जी, राजी, मास्टर जी, राजी, मैं रुखसाना। कैसी हो रुखसाना? ठीक हूँ। वीर जी, परजय जी कैसे हैं? ठीक है। और हमारे बच्चे? बच्चे बड़े हो गए रुखसाना, वो भी ठीक है। ओए मेरा जिगरा। मास्टर जी, मैं नहीं उठता तू। बहुत मोटा हो गया है, मलाई मार मार के है। चंडो ना मास्टर जी, जब आप जवान थे तब नहीं उठा सके, अब बुढ़े होके क्या उठाओगे? ओए जिंदा हुई है क्या कम है? और नहीं मास्टर जी, अब्बू।
तूने क्या कहा इसने? अबू 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 कहा मुझे? लाले ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे यार। वीर, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम दोनों ने इकबाल के बिना कैसे वक्त काटा होगा। हाँ वीर जी, और वो भी हम सब के बिना। हम कितने अकेले हो गए थे, है ना वीर साहब? आज का दिन, या अल्लाह, आज का दिन। मैं इससे रोज कहता था लाले, एक ना एक दिन हमारा इकबाल हमें जरूर मिलेगा। आंसू भी सूख गए थे लाले, पता नहीं आज कैसे। रुखसाना, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, खुशियां मनाने का है। अब पीर, तू अपने दोस्त से मिल लिया ना, अब रिश्तेदार से भी मिल। रिश्तेदार? मैं समझा नहीं लाले। पीर, राजेंद्र सिर्फ दोस्त नहीं, संगी भी है। मतलब राजेंद्र की बेटी पूजा हमारी बहू है और इकबाल की बेगम है। इकबाल? राजी है? राजा यार, मास्टर जी, हम तो कुड़ी वाले हैं। देख लाले, ये मिलते ही मुझे फिर चढ़ा रहा है, अब मैं बहुत मारूंगा इसे। हम मारो ना मास्टर जी, सालों से आपकी मार नहीं खाई है। यार, यार खुदा, यार मेरे बोला क्या दिन दिखाया है तूने? यार ओए फिरोज जी, राजेंद्र, एक बार मुझे ये तो बताओ कि मेरी बहू कैसी है? पूजा, ठहरिए ठहरिए बेगम, सारी बातें सारे सवाल आप यही खड़े खड़े कर लेंगी, जरा बैठने तो दीजिए।